24 की बहुत बड़ी तैयारी है। उत्तर प्रदेश से ही बीजेपी आई थी, 14 में आए थे, 24 में चले जाएंगे। और सवाल वैसी के वैसे हैं। आप यहाँ जहाँ हम लोग बैठे हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके कार्यक्रम में हम लोग शामिल होने आए हैं। आसपास सब किसान रहते हैं, जो हम लोग आप लोग बैठे दिख रहे हैं सब किसान हैं। बीजेपी वाले बताएं कि आय दोगुनी हो गई, क्या धान खरीदा गया? यहीं पास में 100 एकड़ में लगभग मंडी बन रही थी, जितना समाजवादियों ने बनाई उतनी ही बनी, उसके बाद मंडी नहीं बनी। सुना है यहाँ पर जमीन चिन्हित की जा रही है, नोटिफिकेशन हो रहा है कि कोई इंडस्ट्रियल हब बनेगा। अरे बीजेपी वालों, कब झूठ बोलना बंद करोगे? आपने कहा कि बुंदेलखंड में मिसाइल बनेगी, टैंक बनेंगे, बम बनेंगे। अभी तक बुंदेलखंड में एक सुतली बम नहीं बना पाई बीजेपी के लोग। तो डिफेंस एक्सपो के नाम पे एमओयू किए। अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, हालांकि मुख्यमंत्री जी का एक डायलॉग बहुत लोकप्रिय है, 46 में 56, लेकिन उसके बावजूद भी वो कह रहे थे कि 40 लाख करोड़ का एमओयू हुआ है। आखिरकार जमीन पर कितना पहुंचा है, और अगर जमीन पर पहुंचा है तो कितने लोगों को नौकरी और कितने लोगों को रोजगार मिला है उस एमओयू के माध्यम से? सुनने में तो ये आ रहा है कि एमओयू जिन्होंने किए थे उन्हें अधिकारी ढूंढ रहे हैं। हो सकता है कुछ दिनों के बाद एसटीएफ ढूंढे, क्योंकि वो मिलने वाले नहीं है। एमओयू तो कर लिया उन्होंने, लेकिन वो भाग गए, अब छोड़ के चलेंगे उद्योगपति। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? तो जो प्रदेश सरकार ये कह रही थी कि 40 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं, इन्वेस्टमेंट आएगा, आखिरकार इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहा? और फिर इन्वेस्टमेंट इटावा में क्यों आएगा? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।